कैसे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज हम लोग जा रहे हैं खंडाधर, एक वाटरफॉल है। और आप लोग मेरे वीडियो पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों अब हम लोग पहुंचने वाले हैं खंडाधर कुछ देर में। यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर और बचा हुआ है। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे का कुछ टोकन कटता है। भैया ये टोकन किस लिए काटते हैं आप लोग? थोड़ा ये सर, ये हम गवर्नमेंट से टेंडर लगाया। अच्छा, पंचायत से। ठीक है, पंचायत से टेंडर लिया, इसीलिए हम लोग चलते हैं फॉल की तरफ। और दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, अपना गाड़ी हम लोग पार्क कर चुके हैं। और अब यहाँ से चलते हैं हम लोग वाटरफॉल की तरफ। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, इस साइड में एक मंदिर है और इधर से इस वाले रास्ते से हम लोग जाएंगे और लेके चलते हैं हम आपको फॉल की तरफ। यहाँ बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, रास्ते में भी बहुत सारे लोग मिले। और कहाँ से हैं आप लोग? भाई मैं ओडिशा से, केंजर। अच्छा, केंजर से हैं आप लोग, यहाँ घूमने आए थे क्या? कैसा लगा जगह? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है ना? ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं। ठीक है भाई। गाइज यहाँ पे रास्ते में यात्री शेड बना हुआ है ताकि बारिश वारिश आ जाने से लोग रुक सके, बच सके। और इस जगह जंगल में भी यहाँ पे PCC बना हुआ है। और ये हमारे वरुण भाई। वरुण भाई कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक पहुँचे नहीं, अभी तक अच्छा लग रहा है? पहुँचे नहीं है, उससे पहले ही। दोस्तों मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये आप पीछे में देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस ये कम होने के बाद। देखिए ये कैसा खूबसूरत जगह है। उड़ीसा में जंगल का क्या कहना, मतलब बहुत घना जंगल होता है यहाँ। दोस्तों हम लोग वाटरफॉल के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। मैं बता दूँ, यदि आप केंजर से आना चाहते हैं यहाँ पे,
तो आपको लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। आप झुमपरा के रास्ते काली माटी होके आ सकेंगे, और यदि आप बड़बिल और जोड़ा से आना चाहते हैं तब भी आपको बम्बारी होते हुए काली माटी आना पड़ेगा। इसके लिए आपको लगभग 55 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी बड़बिल से। दोस्तों बता दूँ, ये जो वाटरफॉल है इसकी हाइट 500 फीट है। ये 500 फीट ऊपर से पानी यहाँ पे गिरता है, और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आप सीढ़ियों के सहारे हम लोग चलेंगे वाटरफॉल पे। नहीं लग रहा है, मजेदार जगह है। इसकी हाइट बहुत, हाइट बहुत ज़्यादा है, 800 फीट है लगभग ये नीचे से समुद्र तल से कुछ। सौ से अधिक सीढ़ियाँ अभी तक चढ़ चुका हूँ, कुछ जाना बचा हुआ है और हम लोग चल रहे हैं। वरुण भाई आज थोड़ा तेजी से आगे आगे जा रहे हैं। गाइस यहाँ पे फुआरा, मतलब कि वो झरना जो गिरता है उसका पानी इधर तक आ रहा है। ये सारा एरिया गीला है, मतलब वहाँ से जितना पानी गिरता है वो सारा इधर उड़ता है, मतलब छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल बन के। अभी चल रहे हैं हम लोग, एक इसका यहाँ व्यू पॉइंट बना हुआ है, हम लोग चलते हैं व्यू पॉइंट की ओर और आपको दिखाते हैं यहाँ से व्यू पॉइंट, यहाँ से कैसा नज़ारा आने वाला है। यहाँ का सीढ़िया पूरा गीला गीला, क्योंकि पानी ऊपर से जो आ रहा है बहुत स्मॉल पार्टिकल बन के उड़ रहा है, जो यहाँ पूरा गीला रहता है। इस आस पास का पूरा एरिया, हम लोग का फोन भी वो गीला हो रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा गाइस, आप देखें शानदार नजारा, गजब का वाटरफॉल भाई, इतने हाइट से। वरुण भाई चलिए हम लोग नीचे की ओर चलते हैं और देखते हैं नीचे का नज़ारा, बहुत ही अल्टीमेट जगह भाई। जब ऐसा जगह है, ऐसा वाटरफॉल आज तक मैंने नहीं देखा, नहीं आया। दोस्तों हम लोग पूरा भीग चुके हैं फुहारे के पानी से, और देखिए वरुण भाई भी पूरा भीग गए हैं। वरुण भाई तो किनारे खड़ा होके ये पूरा झकास वादियों का मज़ा ले रहे हैं। और अब दोस्तों अब वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो को देख के आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।